हाई एवरी वन, सो टुडे इज़ अवर मॉक 16 एंड आज हम सॉल्व करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज मेथड्स ऑफ रिसर्च. मेथड्स ऑफ रिसर्च से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, दे आस्क यू ऑफन अबाउट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्सपोज फैक्टो रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च. तो कुछ रिसर्च ऐसी हैं जिनसे क्वेश्चन हर साल बन रहे हैं एंड उन रिसर्च के डिफरेंसेस जानना कि कौन सी रिसर्च के क्या क्या फीचर्स हैं एंड कौन से रिसर्च में कौन से फीचर नहीं आते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है. प्लस उनके एग्जांपल्स जानना, बिकॉज दे ऑफन आस्क यू फ्रॉम देयर एग्जांपल्स आल्सो. सो इफ़ यू प्रिपेयर दिस टॉपिक केयरफुली, आपके 4-5 मार्क्स वहीं बन जाते हैं. एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वहाँ पर डेली हम क्विज लेते हैं. आपका एग्ज़ाम बहुत क्लोज है एंड क्विज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर स्पीड फॉर एग्ज़ाम, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो दिस इज अवर 16th मॉक, ये हमारा 16th आज का रिविजन है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. और आज हम क्या करने वाले हैं, वील बी टॉकिंग अबाउट मेथड्स ऑफ रिसर्च विद देयर प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस, कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे, कैसे फ्रेम होते हैं. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. इट इज़ अ रिसर्च विच लॉन्चेज अ डायरेक्ट एक्शन. ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, बिकॉज क्वेश्चन में कई बार डेफिनेशन भी आ जाती है, क्वेश्चन में कई बार उनके फीचर्स भी आ जाते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ अ रिसर्च विच लॉन्चेज अ डायरेक्ट एक्शन. ये एक ऐसी रिसर्च है जिसमें डायरेक्ट एक्शन लॉन्च होता है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्टेनिंग वर्केबल सोल्यूशन, जिसमें वर्केबल सोल्यूशन भी आते हैं टू द गिवन प्रॉब्लम. द मेथड्स यूज फॉर दिस टाइप ऑफ रिसर्च आर यूजुअली पर्सनल इंटरव्यूज. सो यहाँ पर हमने तीन फीचर्स देखे. फर्स्ट इज लॉन्चेज अ डायरेक्ट एक्शन, ये डायरेक्ट एक्शन लॉन्च करती है. दूसरी बात, यहाँ पर सॉल्यूशंस भी निकालने की बात होती है. एंड द थर्ड वन इज, इस रिसर्च में पर्सनल इंटरव्यूज भी आते हैं. सो यहाँ पर हमें जो तीन फीचर्स दिए हैं, यहाँ से हमें अपना आंसर देखना है कि ये कौन सी रिसर्च की बात हो रही है. सो अगर यहाँ देखें ऑप्शंस में, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, एक्सपोज फैक्टो रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, तो अब देखते हैं कि इनके क्या क्या फीचर्स हैं. अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च का क्या डिफरेंस है. अप्लाइड रिसर्च जो होती है, दैट इज जो फंडामेंटल रिसर्च में जहाँ पर थ्योरीज बनती हैं, द बेसिक रिसर्च, द कंसेप्चुअल रिसर्च वी कॉल, वहाँ पर थ्योरीज के बनने की बात होती है. एंड उन थ्योरीज जो थ्योरीज बन जाती हैं, उनका जो एप्लीकेशन होता है वो कहाँ लगता है, अप्लाइड रिसर्च में, जिसको कि नेम से ही पता चल रहा है, तो वो तो ये हो नहीं सकता. देन कम्स दी एक्सपोज फैक्टो रिसर्च. एक्सपोज फैक्टो रिसर्च क्या होती है, जहाँ पर पहले कुछ हो जाता है, कोई फैक्ट हो जाता है, उसके बाद हम उसके कॉजेस ट्रेस करते हैं, तो ये भी उसके फीचर नहीं लग रहे. देन कम्स फंडामेंटल रिसर्च, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. तो आंसर क्या होगा, एक्शन रिसर्च. एंड वाई एक्शन रिसर्च, बिकॉज यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन लॉन्च होता है, जो कि क्लियर कट डेफिनेशन है एक्शन रिसर्च की, जिसमें क्या करते हैं, इमीडिएट एक्शन. सो एक्शन रिसर्च में क्या होता है, इमीडिएट एक्शन होता है, डायरेक्ट एक्शन लॉन्च होता है, पर्सनल इंटरव्यूज लिए जाते हैं, वहां पर प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन निकाला जाता है कि क्या एक्यूरेट सोल्यूशन होगा फॉर दैट रिसर्च. सो नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, द प्रिंसिपल सेट बाय फंडामेंटल रिसर्च. जो प्रिंसिपल सेट किए जाते हैं फंडामेंटल रिसर्च के थ्रू, वो यूटिलाइज होते हैं इस रिसर्च में टू नो द प्रॉब्लम्स विद बेस्ट पॉसिबल मैनर. तो यहाँ बोला गया है कि जो प्रिंसिपल सेट करे जाते हैं फंडामेंटल रिसर्च के, वो सारे प्रिंसिपल्स ये वाली रिसर्च में अप्लाई होते हैं. वो सारे प्रिंसिपल्स को, कॉन्सेप्ट्स को कहाँ अप्लाई किया जाता है, कौन सी रिसर्च में, जिससे वर्केबल सोल्यूशंस निकले. एंड ये रिसर्च जो है, इट ऑल्सो अप्लाइज द नोन थियोरीज एंड मॉडल्स टू एक्चुअल प्रैक्टिस. सो ये जो रिसर्च के बारे में यहाँ पूछा गया है, इस रिसर्च के फीचर्स क्या क्या है, दैट फंडामेंटल रिसर्च के जो मेन आइडियाज हैं, मेन थियोरीज हैं, वो इस रिसर्च में यूटिलाइज होते हैं. एंड दूसरी बात, यहाँ पर जो थियोरीज होती हैं, जो नोन थियोरीज हैं, कि उनका यूज है या फिर नहीं है, वो भी देखा जाता है प्रैक्टिस में लगा के. तो ये रिसर्च कौन सी है, तो यहाँ ऑप्शंस हैं, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. अब बेसिक रिसर्च ये क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज बेसिक रिसर्च इज कॉल्ड फंडामेंटल रिसर्च. अब फंडामेंटल रिसर्च के तो प्रिंसिपल्स हैं, तो वो नहीं हो सकती. देन कम्स अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इसलिए नहीं हो सकती बिकॉज उसके फीचर्स ही अलग है, इट्स अ लेबोरेटरी रिसर्च. एक्शन रिसर्च भी बिल्कुल अलग है, जो कि हमने हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है. सो क्या बचा, अप्लाइड रिसर्च.
देखिए यहाँ पर नाम से ही समझ आ जाना चाहिए, अप्लाइड, यू अप्लाई समथिंग, यू अप्लाई द थेरीज ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च ऑन अप्लाइड रिसर्च. सो दिस इज द अप्लाइड रिसर्च. ये सारे फीचर्स किसके हुए? अप्लाइड रिसर्च के हुए. सो नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज डैश इज द रिसर्च वेयर एग्जिस्ट अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड आइसोलेटिंग देयर इन्फ्लुएंसेस फॉर प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशंस. सो यहाँ जो पूछा है रिसर्च के बारे में, उस रिसर्च के क्या फीचर बताए हैं, दैट इस रिसर्च में यू कैन कंट्रोल दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दैट यू कैन कंट्रोल दी कॉजेज. कॉजेज को क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. एंड इनको आइसोलेट भी किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यू हैव फाइव वेरिएबल्स ए बी सी डी ई, हमारे पास पांच इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. अगर हमको इस एक का देखना है कि क्या इफेक्ट है, अगर हमको ए का इफेक्ट देखना है, तो हम इन बाकी चारों को कांस्टेंट रख सकते हैं, हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, हम इनके इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं टू सी द इफेक्ट ऑफ ओनली वन वेरिएबल. सो दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. इट कांट बी एक्शन रिसर्च, इट कांट बी एक्सपोज फैक्टो रिसर्च, इट कांट बी ऑल द अबव. एक्सपोज फैक्टो तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज एक्सपोज फैक्टो में आप अपने वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, वहां वेरिएबल्स को कंट्रोल करना बहुत वीक हो जाता है. ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में भी आया था कि कौन सी रिसर्च में वेरिएबल्स जो होते हैं बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड रहते हैं. यू हैव टोटल कंट्रोल ओवर दी वेरिएबल. सो द आंसर विल बी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. वाई? बिकॉज इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यू कैन कीप दी अदर वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट वाइल वॉचिंग दी इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल. So the answer will be experimental research. Now the fourth question is the research antagonistic to the ex post facto research. इसका meaning है कि कौन सी research है जो एकदम opposite है ex post facto research के. अब ex post facto research में क्या होता है? Ex post facto research is something where you trace the effect. जहां पर, for example, the accident report. Accident report में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द इफेक्ट, एक्सीडेंट हो गया, देन यू विल ट्रेस एक्सीडेंट कैसे हुआ, हाउ इज हैपेंड. सो इन दिस थिंग ऑल्सो, इन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च ऑल्सो, यू ट्रेस द इफेक्ट कि कैसे कॉज, क्या क्या कॉज रहे होंगे, क्या क्या रीजन रहे होंगे. सो दिस इज अ रीजन यू कैन नॉट कंट्रोल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च. अब इसका अपोजिट क्या होगा? अब देखिए यहां से ये कॉमन सेंस वाली चीज है. अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने यही चीज डिस्कस करी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यू कैन कंट्रोल दी वेरिएबल्स. इट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिसर्च जहां पर इनको कंट्रोल किया जाता है, बिकॉज इट्स अ लेबोरेटरी रिसर्च ऑल्सो. इसका रीजन भी ये भी हो सकता है. सो अगर देखा जाए सो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का अपोजिट फिर क्या होना चाहिए? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. एंड why? बिकॉज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यू कैन टोटली कंट्रोल दी वेरिएबल्स, बट इन एक्सपोज फैक्टो रिसर्च यू कैन नॉट कंट्रोल दी वेरिएबल्स. अब जहां पर एक्सीडेंट हो चुका है, हाउ कैन यू कंट्रोल द कॉजेज? बिकॉज जो इफेक्ट है वो तो हो गया, सो यू कैन नॉट कंट्रोल द कॉजेज, बट इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यू कैन कंट्रोल दी कॉजेज. सो विच रिसर्च विल बी एंटेगोनिस्टिक टू एक्सपोज फैक्टो रिसर्च? इट विल बी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. सो द लास्ट क्वेश्चन इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर नॉट कंट्रोल्ड इन विच टाइप ऑफ रिसर्च या रिसर्चेस. कौन सी रिसर्च ऐसी है जहां पर कॉजेस को, ध्यान रखिएगा ये चीजें भी पता होनी चाहिए, दैट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर नोन एज कॉजेज. इनको कॉजेज माना जाता है एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को माना जाता है इफेक्ट. सो यहां पूछा गया है कौन सी रिसर्च है जहां पर कॉजेस को, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जहां पर इनको कंट्रोल नहीं कर सकते. हमने लास्ट टू क्वेश्चन में ये चीजें बहुत एक्सप्लेनेशन में डिस्कस करी है. एंड इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि इनमें से कौन सी रिसर्च ऐसी है, क्या ये दोनों है या फिर एक है, कि जिसमें कॉजेस को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता. सो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ रिसर्च जो कि हमने जस्ट अभी डिस्कस किए हैं. एंड जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन दिस वीडियो. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे with proper explanation. So do not forget to join our Telegram group, and to know about our courses you can always click the link jo aapki screen mein right side hai. Thank you for watching the video, subscribe to our channel and press the bell icon. Thank you.